दरिंदे अक्षय शिंदे की दरिंदगी को भला कौन भूल सकता है। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, मगर अब दरिंदे को कई एक ही सजा मिल गई है। बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर सुबह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक जब पुलिस उससे पूछताछ के लिए तलोजा जेल ले जा रही थी, तभी पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अक्षय शिंदे मारा गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वैन में कम जगह होने की वजह से पुलिस की जवाबी कार्रवाई की गोली शिंदे के चेहरे पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय शिंदे को 17 अगस्त को स्कूल के शौचालय में 4 और 5 साल की 2 लड़कियों के साथ यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए थे। शिंदे स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहा था। स्थानीय पुलिस शुरू में मामले की जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस जांच में गंभीर खामियों को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन कर दिया था। वहीं से एनकाउंटर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे को आत्मरक्षा में गोली मारी है। ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। लेकिन विपक्षी दलों ने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि ये मुठभेड़ कुछ अन्य लोगों को बचाने के लिए की गई है। मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की सोमवार को एनकाउंटर में मौत हो गई है। 2 पुलिसकर्मी PSI नीलेश मोरे और SIT टीम के संजय शिंदे भी घायल हुए हैं। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए india.com।